प्रकाशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या जिंदगी की हर मुश्किल घड़ी का जिम्मेदार आप खुद को ठहराते हैं? क्या आपने भी ऐसा सोचा है कि मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरी किस्मत ही खराब है? देखिए, हम सबके साथ ऐसा होता है और होना स्वाभाविक भी है, मगर अपनी लाइफ की खुशियों के ताले की चाबी किसी और के नहीं बल्कि आपके खुद के पास है। जरूरत है तो बस उस चाबी को घुमाने की और जिंदगी को बदल देने की। तो कैसे आप इन नेगेटिव थॉट्स को जड़ से मिटाकर अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाएं? कैसे आप खुद से प्यार करना सीखें? वो क्या फॉर्मूला है जो आपको हर मानसिक और शारीरिक रोग से मुक्त कर देगा? इन सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो इसे एंड तक जरूर देखें। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को खुश रखना भूल जाते हैं। उनके गलत व्यवहार के लिए खुद को जिम्मेदार समझते हैं कि शायद हमारे अंदर ही कोई कमी है या हम किसी काबिल नहीं है। मगर जिंदगी में आपके लिए अपनी नजरों में सक्षम होना सबसे ज्यादा जरूरी है, अपनी सही पहचान करना जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप घमंड या अहंकार करने लगे। देखिए, दूसरों का नजरिया जानना चाहिए ताकि हम अपने अंदर सुधार ला सके। उनके नजरिए से लेकिन आपको हताश नहीं होना है और खुद को कमजोर बिल्कुल नहीं समझना है। लाइफ में हमारे थॉट्स ही हमारे एक्शंस बनते हैं। एक एग्जांपल के साथ मैं इसे आपको समझाती हूँ। आप अपनी ड्रीम जॉब को पाना चाहते हैं, मगर आप ऐसा सोचने लगते हैं कि आप इस जॉब के काबिल ही नहीं है, कई बेहतर लोग हैं जो इसके लिए आपसे ज्यादा डिजर्विंग है, और आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले आप ये जॉब पा ही नहीं सकते। देखिए, ये सारे थॉट्स कितने नेगेटिव हैं। जैसे ही आप इन्हें सोचने लगते हैं, ट्राई करने का एटीट्यूड कहीं खो जाता है। आपका दिल ही नहीं करता कि आप एफर्ट्स लें, और इसी के चलते आपके एक्शंस भी नेगेटिव हो जाते हैं। आप अपनी पोटेंशियल को सही रूप में ना समझकर पहले ही हार मान लेते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसीलिए जिन्हें खुद पर यकीन होता है वह कुछ कर दिखाने का दम रखते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं इस काबिल नहीं। जिस दिन आप इन थॉट्स पर जीत हासिल कर सकेंगे, आप जिंदगी में जो चाहते हैं वो पा सकेंगे। इन बातों को आज आप सुनेंगे, मगर कहीं ना कहीं यही ये रह जाएंगी। जिंदगी की दौड़ में आप फिर उलझ जाएंगे और बदलाव नहीं ला सकेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी जाती हैं। हम जो सुनते हैं उससे कई गुना ज्यादा हम वो समझते हैं जो हम खुद पढ़ते हैं। इसीलिए अपनी लाइफ को बदलने के लिए मैंने पढ़ी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर यू कैन हील योर लाइफ। इस बुक को लिखा है लुइस एल हे ने। वह एक अमेरिकी प्रेरक लेखक और हे हाउस पब्लिशिंग की संस्थापक है। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में कई संघर्षों का सामना करा। एक के बाद एक चुनौतियों का सामना करते हुए जब उन्होंने हार मान ली, तब उन्होंने एक चर्च में पढ़ा यू कैन चेंज योर लाइफ बाय चेंजिंग योर थॉट्स। यानी अपनी सोच को बदलकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। इन्हीं शब्दों ने उनको एक नई एनर्जी दी और आज वह एक फेमस ऑथर, लेक्चरर और स्पीकर हैं। जिन टेक्निक्स को यूज करके उन्होंने अपनी जिंदगी सुधारी, उन्हीं टेक्निक्स को उन्होंने अपनी बुक में रीडर्स के साथ शेयर किया है। चलिए कुछ टिप्स मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। टिप 1, अपने बिलीव्स को चेंज करना सीखिए। मान लीजिए आपका ये बिलीफ है कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, तो ये गलत है, इसे तुरंत मन से हटा दीजिए। इसी तरह वो बिलीफ जो आपको कुछ अच्छा करने से रोकता है, उसे लाइफ से बाहर कर दीजिए। टिप 2, खुद को और दूसरों को माफ करना सीखिए। अपने पास्ट को साथ लेकर चलने से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए आज में जिए। खुद को और दूसरों को माफ कर देने से आप अपने मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी और लाइफ चेंजिंग टिप्स जिनसे आप अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं, जानने के लिए इस बुक को पढ़ें। इसके साथ ही लुइस ने ये भी शेयर करा है कि हर रोग का कारण आपकी सोच से जुड़ा है और कैसे अपनी सोच को बदलकर आप उस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। इस बुक को खुद भी पढ़ें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सके। ये किताब आपको ऑनलाइन स्टोर जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर मिल जाएगी। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके आप इसे आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नए नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और हमसे यूं ही मिलते रहें। धन्यवाद।